प्रिय शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों आज हम आप सभी के बीच बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। साथियों तो इस वीडियो देखने से पहले सबसे पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हमारे जो अपलोड किए जाएंगे आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ओके साथियों तो चलिए हम बात करेंगे आज छात्रों को ट्रैक कैसे करें, छात्र कहाँ मैप हैं, कैसे पता करें, संपूर्ण जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाले हैं। ओके साथियों छात्रों को ट्रैक कैसे करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य शिक्षा पोर्टल का हमने पेज ओपन किया है। तो समग्र शिक्षा पोर्टल 2023-24 में ये पता करने की हम कोशिश करेंगे कि छात्र किस विद्यालय में मैप हैं। ओके साथियों अभी एक लिस्ट जारी किया गया है साथियों वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा, कुछ छात्रों को यहाँ पे जो है उनका जो लिस्ट में नाम दिखाया गया है। पता करेंगे कि ऐसे छात्र जो है समग्र आदि के माध्यम से पता करेंगे कि छात्र जो है इनका मैप कहाँ है, किस विद्यालय में है। ऐसा तो नहीं है कि छात्र जो है बिना एडमिशन के हैं। ओके साथियों तो सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। साथियों हमारी वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जो देखेगा। ओके साथियों तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रिय साथियों सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर किसी भी ब्राउजर को ओपन करें। साथियों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने गूगल के ऑप्शन को ओपन किया साथियों और सर्च बार में हम टाइप करेंगे शिक्षा पोर्टल। ओके साथियों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया शिक्षा पोर्टल और यहाँ पे शिक्षा पोर्टल जो है सबसे नीचे है शिक्षा पोर्टल .mp.government.in इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। ओके साथियों जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल का पेज ओपन हो चुका है। साथियों अब यहाँ पे लॉगिन और किसी भी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। साथियों सबसे नीचे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई ऑप्शन है साथियों, जैसे सलाह दिया है छात्रवृत्ति गणना, लैपटॉप विवरण, छात्रवृत्ति योजना और स्टूडेंट ट्रैकिंग। यहाँ पे एक ऑप्शन है साथियों स्टूडेंट ट्रैकिंग, यहाँ पे इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्लिक किया स्टूडेंट ट्रैकिंग। ओके साथियों अब यहाँ पे मध्य शिक्षा पोर्टल का पेज ओपन चुका है। साथियों देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड, यहाँ पे एक मैसेज है स्टूडेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड। ओके साथियों अब यहाँ पे समग्र आईडी छात्र का फिल करना है और फिर पुनः समग्र आईडी, यानी जिस छात्र का आप देखना चाहते हैं जानकारी उस छात्र की जो है यहाँ पे समग्र आईडी आप फिल करेंगे। ओके साथियों तो चलिए हम यहाँ पे एक छात्र की जो है समग्र आईडी फिल करते हैं। साथियों यहाँ पे हम समग्र आईडी फिल करने जा रहे हैं। साथियों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ पे समग्र आईडी फिल कर दिया है। साथियों अब इसके बाद उसी समग्र आईडी को फिर से यहाँ पे फिल करेंगे। ओके साथियों हमने यहाँ पे समग्र आईडी फिल कर दिया है और यहाँ पे चेक बॉक्स में जो है कैप्चा कोड जो ये दिया गया है साथियों इसी कैप्चा कोड के यहाँ पे फिर से यहाँ पे फिल करेंगे। ओके साथियों इसको हम कैप्चा कोड बोलते हैं और अब यहाँ पे हम कैप्चा कोड फिल कर रहे हैं। साथियों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ हमने कैप्चा कोड फिल कर दिया है और यहाँ पे नीचे दिया गया है छात्र छात्रा की जानकारी देखें। ओके साथियों अभी इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे देखिए छात्र की जो है प्रोफाइल जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। साथियों सारी जानकारी सारा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ओके साथियों यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड। ओके साथियों अब यह देखें यहाँ पे छात्र का नाम आ गया है, यहाँ पे लक्ष्मी कोल, जन्म दिनांक और लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, किस ग्राम से बिलोंग करती हैं। ओके साथियों अब यहाँ पे देखिए शैक्षणिक वर्ष, जिला, ब्लॉक, शाला और कक्षा यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है। साथियों साफ साफ यहाँ पे जानकारी अपडेट की गई है 2023-24 यानी अभी जो शिक्षा सत्र प्रारंभ है 2023-24 जिला सीधी, ब्लॉक सीधी, शाला का नाम GMS बगैहा 628 यहाँ पे माध्यमिक शाला बगैहा में यह छात्रा अध्ययनरत है। कौन सी क्लास में? सिक्स क्लास में। ओके साथियों इसके बाद उसके नीचे देखिए 2022-23 में ये PS बगैहा में मैप थी। ओके साथियों 21-22 में भी PS बगैहा में मैप थी, 21-20-21 में PS बगैहा मैप थी, 19-20 में PS बगैहा मैप थी, 18-19 में भी PS बगैहा में, यानी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी इस साल जो है शिक्षा सत्र 2023-24 में यह जो है माध्यमिक शाला बगैहा में मैपिंग इसका दिखा रहा है। ओके साथियों यानी मैप है या इस तरह जो है आप किसी भी छात्र की जानकारी जो है स्टूडेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि छात्र का मैप जो है किस विद्यालय में किया गया है। ओके साथियों ये रहा जो है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।